नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन सपन मिश्रा में आपको स्वागत है। कल फिफ्थ फेज, कल महाभारत युद्ध का पांचवा दिन खत्म हो गया है। अराउंड 479 सीट्स इन टोटल ईवीएम में सील हो गए और दो फेज सिक्स और सेवन्थ का दो दिन का युद्ध बचा हुआ है। एक 25 तारीख को होगा, एक जून 1 को होगा। जून 1 को इवनिंग से आपको एग्जिट पोल आएगा और जून 4 तक को रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आगे क्या होगा इसके बारे में बहुत सारे चैनल हर फेज वाइज कुछ कुछ डिस्कस करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी करता हूँ, लेकिन अभी तक जैसे कल खत्म हुआ उसके बाद आप लोग ने देखा होगा बहुत। मैं सिर्फ जस्ट ओवरऑल जाऊँगा। एक्चुअली कल का जो फेज था, 24 छोटा सा फेज था, 49 सीट्स, उसमें से बरमुला जो जम्मू कश्मीर का एक सीट था, लद्दाख का एक सीट था। अभी ये दोनों के साथ में वो एरिया ख़त्म हो गया। महाराष्ट्र एक बड़ा फेज था, 13 सीट का था, वो भी ख़त्म हो गया, अभी छक्की मार देंगे। उसके बाद यूपी में 14 सीट का इलेक्शन था, उसमें से एक रायबरेली कांग्रेस का था हाथ में था, और बाकी जो अपोजिशन का पास एनडीए के पास बाकी 13 था डिफरेंट टीएम में। वीआईपी सीट जैसे लखनऊ है, अमेठी है, रायबरेली है, और अपना जो केसरगंज जो ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह का एरिया है, उनका बेटा भी लड़ रहा है। वरना वो जो किस जो आंदोलन जो पहलवान आंदोलन हुआ था उसमें थोड़ा बदनाम हो गए थे, तो इसलिए उनको टिकट नहीं देखो, उनको बेटा ही लड़ रहा है। ये सब सीट है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 7 सीट का हुआ, उड़ीसा में 5 सीट का हुआ। उड़ीसा में जैसे कि वेस्टर्न उड़ीसा में लास्ट टाइम बीजेपी का 3 सीट उसमें से थी ना, 2 थी शायद, अभी 3 बढ़ा दे कल हुआ। बरगढ़, सुंदरगढ़, बलांगीर, कंधमाल, आस्का। कंधमाल और आस्का में तो बीजेपी का उसका अंदर घुस नहीं सकते, बाकी 3 बीजेपी का साइड में आ जाएगा, ये प्रेडिक्शन है। बाकी जैसे कि यूपी में देखें, बीजेपी के पास 13 सीट था। थोड़ा जैसे रायबरेली का डिस्कस कर लेते हैं। रायबरेली में लास्ट मोमेंट में राहुल गांधी को खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से, जबरदस्ती जो उनको मतलब रिलेक्टेंट है सीट्स। और उसके बाद फिर जब से खड़ा करने का, सोनिया गांधी खूब आए, खूब खुद आके बोले कि मेरा बेचारा बेटे को मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जैसे कि एक छोटा बच्चे को मां लेके जाता है स्कूल में एडमिशन करने के लिए, वो प्रिंसिपल को बोलते हैं मेरे बच्चे को छोड़ गया, ऐसे जाके इमोशनल अपील किया है। लेकिन तब तक तो माहौल जो कांग्रेस का एडमिशन में देखा ना, सोनिया गांधी इतने साल रही, लेकिन रायबरेली में कोई काम नहीं कर पाई। रास्ता वास्ता सब कचरा है, तो कुछ काम नहीं कर पाई। रिसेंटमेंट था, लेकिन जैसे कि रायबरेली जाना जाता है वीआईपी सीट के लिए पे, तो इसे हवा में वोट मिलता था। लेकिन जब से सोनिया गांधी आके थोड़ा सा इमोशनल अपील कर दिए, थोड़ा सा हवा बदला, तो अभी फाइट जो है कांग्रेस की सपोर्ट में है। लेकिन फाइट इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिनेश प्रसाद सिंह जो है वो लोकल है, वो एरिया को थोरली जानते हैं, पर्सनली लोगों को वन बाई वन पर्सनली वन टू वन जानते हैं, वो हर बूथ को जानते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बट राहुल गांधी थोड़े एज, मैंने जैसे डिफरेंट चैनल करीब कल से आज तक करीब 15-20 चैनल में ये एनालिसिस में देख चुका हूँ, इसके बारे में थोड़ा बाद में आऊँगा। वेस्ट बंगाल में वैसे भी बीजेपी के 3 सीट तक कोशिश कर रहा है और एक सीट ऐड करने के लिए, लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या होता है जनरली हमेशा वायलेंस ये सब मारपीट ये सब होता रहता है, मतलब ये ट्रेडिशनली है। लेकिन बीजेपी शायद एक सीट एक्स्ट्रा ले जाए, लेकिन हावड़ा में और एक कोई सीट में उसका अंदर घुसने का चांस नहीं, टीएमसी ले जाएगा उड़ीसा ये। बाकी सबसे ब्यूटी जिसको कहते हैं मतलब ये उसमें बारमूला में कल अराउंड 59% वोटिंग हुआ, जो कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। लाइक लास्ट टाइम श्रीनगर में भी ऐसे ही हिस्ट्रिकल वोटिंग हुआ था, जीते कौन हारे कौन इसमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पब्लिक बाहर निकल के वोट कर रहे हैं। लद्दाख में अराउंड 67% वोटिंग हुआ है, जो कि बीजेपी लूज कर रहा है। बर्मुला तो बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक जो रेक्स आई सबसे अपनी एक पार्टी बनाए
BRS लेके उसके बाद वो बीजेपी उनको टैक्टिकल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया, उन बाकी सबका हो चुका है। जम्मू का दो सीट बीजेपी ले रहा है, लद्दाख में जो बीजेपी के हाथ में था वो लद्दाख का जो सीट है बीजेपी के हाथ से जा रहा है। उसमें इंडिपेंडेंट जो कारगिल मुस्लिम बहुल एरिया है तो उसमें एक मुस्लिम कैंडिडेट नाम मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक ही इज फाइटिंग एज इंडिपेंडेंट, ही विल विन इट। ये मोटा मोटी ये है, बाकी जो और कहाँ सीट बचा है, पश्चिम बंगाल में बोल दिया मैंने 7 सीट, उत्तर प्रदेश 14 आई डिस्कस, महाराष्ट्र में बताया 13 सीट का हो गया, खत्म हो गया कि 13 को 13 सीट में क्या होता है, ओनली 5 में देख रहा हूँ। इसमें नासिक में देख रहा हूँ जो ऑनियन बेल्ट है, हाँ वो थोड़ा सा बीजेपी एनडीए के लिए थोड़ा डाउटफुल है, और पालघर में भी हालांकि दो याद है 3 साधुओं को वहाँ पर लिंचिंग कर दिया गया था, ये उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थे, हाँ लेकिन वो भी जरा मुस्लिम बहुल एरिया है तो उसमें से थोड़ा बहुत डाउट रहता है, लेकिन बाकी जो सीट जितना है ये 11 सीट है वो टोटली एनडीए वाइपआउट कर, लास्ट टाइम भी सब लिया था उन्होंने, एनडीए वाइपआउट कर रहा है। और उसमें वीआईपी सीट क्या है, पीयूष गोयल की सीट है नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, और अभी उज्जवल निकम का नाम कौन नहीं जानता, सारे इंडिया में जानते हैं जो कसाब को फांसी में लटकाया था, ये दोनों वीआईपी सीट है। बाकी थाने वो तो एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है, कल्याण में उनका खुद का बेटा श्रीकांत शिंदे लड़ रहे हैं वो भी गढ़ है, लेट्स एवरीथिंग इज केप वर्क, और उसमें कोई डिस्कस करने लायक बात नहीं है। और कहाँ हुआ, बिहार में पाँच सीट में जो हाजीपुर सीट है उसमें चिराग पासवान खुद लड़ रहे हैं, अभी देखना है कि चिराग पासवान उनका जो पिताजी है राम विलास पासवान जो एक्सपायर कर गए हैं, वो जितना मार्जिन में जीते थे हाँ क्या उससे वो मार्जिन बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, जीतते हुए कन्फर्म है। बाकी एक कॉन्टेस्ट वाले सीट है सरन, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में लालू यादव की बेटी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य लड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत यू नो पलड़ा भारी था रोहिणी आचार्य के लिए, लेकिन ये मोदी जी जाके पटना में रोड शो किए हाँ तो उसका थोड़ा सा फर्क इसमें पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर ये है कि लालू यादव की जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उनकी जो जिनसे शादी हुआ था ऐश्वर्या राय उन्होंने आके उनको जैसे कि टर्चर किए थे, राबड़ी वाबड़ी मिल के टर्चर वजह से उन्होंने घर से बाहर निकल गए थे, डिवोर्स हो गया, वो आके भर के राजीव प्रताप रूढ़ी के यादव का एग्नेस्ट में पता गया, ये इनको एक रूढ़ी के अपर हैंड दे दिया, तो ये शायद बीजेपी ये सीट भी निकाल दे, तो बाकी सब सीट तो क्लीन स्वीप है। तो ये बिहार की इतिहास है। रायबरेली में और एक चीज़ बताऊँ कि वाई राहुल गांधी हैज गॉट द एड्स एक्चुअली, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस का कोई MLA नहीं था, लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का ओनली 2 MLA सीट था, उसमें से 4 था समाजवादी के पास और 1 था बीजेपी का पास। अच्छा बीजेपी के पास जो था सीट आदित्य सिंह उसे जीते थे, सी जो फायर ब्रांड है सीट्स, ओके उनके खानदान से ही हो तो यू नो दबंग टाइप, ठीक है उनका पिता उनका जे सब दबंग टाइप है। और बीजेपी अमित शाह ने क्या कहना, उनका समाजवादी पार्टी का एक बहुत फेमस MLA मनोज पांडे को तोड़ के एक समीकरण बैठाने की कोशिश किया, लेकिन आदित्य सिंह जो है उनका पिता का साथ ये जो रायबरेली के कैंडिडेट दिनेश प्रताप सिंह जब वो कांग्रेस में थे वो भी तो कांग्रेस से आके बीजेपी में ना हाँ उनका साथ उस टाइम पर काफ़ी दुश्मनी था, एकदम हाथापाई पर जा रहा था, तो इसलिए वो थोड़ा साइलेंट बढ़ गया, वो उनका दिल नहीं गया था जो मेरा बीजेपी का साथ ये हुआ था मैं प्रचार मैदान में नहीं जाऊँगा, तो थोड़ा साइलेंट भेज दिया। हालांकि अमित शाह जाके लास्ट मोमेंट में कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश किए थे लेकिन नहीं कर पाए, ये राहुल गांधी का किस्मत साफ गया ये, इसलिए थोड़ा एड्ज है, लेकिन नहीं जानते कि मतलब जनता जनार्दन कभी किसका ऊपर क्या मूड आएगा कुछ नहीं कह सकते। महाराष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राज ठाकरे जब
आके मोदी का साथ में शिवाजी पार्क में डैश शेयर किए सिंधे सबसे, और मोदी ने उनको फोकस किया कि ये है बाला ठाकरे का असली जायदाद का मालिक उद्धव ठाकरे नहीं है। उन्होंने इसे प्रोजेक्शन दिया और बाद में मोदी जी के वीर सावरकर का स्मारक में जाके फूल माला अर्पण करके आया आगे ये करते तो भी जो थोड़ा बहुत इधर था सब समीकरण बदल गया। जो जो लोग जाके ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे जो टीम है ग्राउंड माहौल क्या है ये क्या है वो क्या है वो दिख रहा है जो भी कहाँ पर किधर है मोटा मोटी ये है। अच्छा अभी देखते हैं जो जनरली मीडिया के कार जो मेन स्ट्रीम मीडिया रहते हैं वो डिस्कस करते हैं, मतलब कोई कोई करते हैं कि हर मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब इंडिया टीवी है, आज तक है, रिपब्लिक है, जी है, ये सब मेन स्ट्रीम मीडिया है। वो लोग क्या करते हैं डिबेट करते हैं, मतलब कोई पार्टी का सपोर्टर डिफरेंट पार्टी का सपोर्टर बैठे रहते हैं, बैठे के डिबेट करते हैं और सब लोग पुष्ट करते हैं हम तो पूरा हो गया हम क्लोज करके सब इसको करके और डिबेट के लिए मज़ा आता है। ठीक है और कुछ सेम मेन स्ट्रीम जो मीडिया है क्या करते हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ वो ले आते हैं और जनरली जो अपना जो वोटिंग ओपिनियन पोल सर्वे एजेंसी है मैं आऊँगा उसमें उनमें से कोई एक विशेषज्ञ को ले आते हैं लेके उनको थोड़ा डिबेट वगैरह कराते हैं। वो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हो या वरिष्ठ पत्रकार हो जिनका जो मेंटल थिंग लीनिंग जिस तरह है वो अकॉर्डिंगली वो अपना ओपिनियन देते हैं ये हुआ वोटिंग परसेंट डाउन हो गया आ गया नीचे आ गया ऊपर आ गया ये सब उनका तो ये रहता है। ये एक टाइप है जो सर्वेइंग एजेंसी का जो कोई जैसे संजय सिंह बैठते हैं इंडिया टीम में भी बैठते हैं और एक न्यूज 24 में भी बैठते हैं उनको पूछा जाता है तो वो जनरली एग्जिट पोल तो बैन है एक्चुअली लेकिन वो तो एग्जिट पोल शो कर रहे हैं फिर उनको पता है लेकिन वो बोल नहीं सकते तो जनरली एक पासिंग मंतव्य देकर मतलब रिमार्क देकर निकल जाता है। लेकिन ठीक है एक ऐसा बढ़ जाएगा तो थोड़ा क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा लेकिन वो कोई नहीं कर सकता वो एक तरीके शाम का सब खुल के आएंगे लेकिन वो नहीं करता तो ये एक ये और वोटिंग परसेंटेज जैसे कि पहला दो चरण में काफ़ी गर्मी था और वो जनता का अंदर इतना ये नहीं था है कौन जाएगा चलो एक लेकिन थर्ड फोर्थ फेज से थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ फोर्थ फेज में तो और अच्छा बढ़ा कि मेरा मौसम थोड़ा अच्छा था और फिफ्थ फेज में कल भी काफ़ी जगह पर गर्मी हुआ है यूपी में भी गर्मी था महाराष्ट्र में गर्मी था लेकिन दोनों गर्मी में फ़र्क है। महाराष्ट्र में जब 35 डिग्री का टेम्परेचर होता है उस टाइम पर गर्मी होता है और वहाँ पर 45-46 होता है गर्मी होता है मतलब दोनों डिफरेंट होता है टोपर का भी गर्मी होता है तो कहा जाता तो ये महाराष्ट्र में उसमें गर्मी था बाकी उड़ीसा में ये से वेस्ट बंगाल नॉर्मल जैसे कि हम डेली ये करते रहते हैं क्योंकि दो चार दिन पहले मौसम अच्छा था इधर बारिश होता और अभी भी थोड़ा बहुत ये होता है क्योंकि बारिश हो जाता है ये होता है तो मौसम का ऊपर भी डिपेंड करता है वोटिंग टर्नआउट इसमें हम उसको पॉलिटिकल मतलब भी नहीं लेते कि वोटिंग ज़्यादा हो गया तो ये कोई पार्टी को बहुत वोट मिल जाएगा तो वोटिंग कम हो गया तो किसी का कम हो जाएगा ऐसे हम वी कैन रीड ऑन दोज थिंग्स। ओके अगर मौसम अच्छा रहेगा तो वोटिंग भी अच्छा रहेगा लेकिन जनरली ओवरऑल 19 से लेके 24 के बीच में जो वोटिंग हुआ है थोड़ा सा 1-2% कम हुआ है लेकिन और दो फेज बाकी है 114 सीट बाकी है एक्चुअली देखते हैं क्या होता है। कोई कोई जो यूट्यूबर्स है यूट्यूब चैनल जो है जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ सबको फॉलो करता हूँ मैं अजीत रंजन को भी फॉलो करता हूँ satyahindi.com फॉलो करता हूँ अच्छा तो उसका ये को फॉलो करता हूँ देखता हूँ क्या 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 है फिर इनको देखता हूँ जैसे कि बहुत बड़ा फेमस ये है जयपुर डायलॉग की फैक्ट्स अभिषेक तिवारी दैट आपका अखबार ओशियन न्यूज सबको देखता हूँ सबको अपने अपने ये रहता है फिर सब कभी कभी ये करके डिबेट करते हैं अपना अपना ओपिनियन रखते हैं उस ओपिनियन को सपोर्ट के लिए क्या लॉजिक वो भी रखते हैं इसलिए मैं कह रहा था मैं भी कह रहा था कि इधर उधर बोल के ये हुआ हुआ करके निकाल सकता है ओपिनियन दे सकता है लेकिन मैंने नहीं दिया बोला नहीं लेट मी लिसन व्हाट दे आर टेलिंग बाकी टीवी में देखिए कि तो आ रहा है मतलब इस करके मैं ओपिनियन मेरा ओपिनियन ये है कि बीजेपी NDA जो गठबंधन है
इन्होंने ऑलरेडी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, और अभी जो 114 जो सीट है उसके बारे में 25 तारीख से पहले देखता हूँ, बहुत एक वीडियो करके मैं एनालिसिस करूँगा, ये सब ये बनस है, दिस इज अ बनस। सो मैं सोच रहा था पहले ये जो मोदी नाराज है और की बात 400 पार ये क्या हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा सोच रहा था, लेकिन मैं अपनी इस चैनल के माध्यम में बोला था कि नहीं, आई डाउट, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे 40, 50, 60, 65 इतना लग रहा है, लेकिन अभी जैसे आ रहा है मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है 380-390 तक पहुँच जाएंगे। तो ना ये तो जो ओपिनियन पोल वाले उन्होंने बताया, अभी ओपिनियन पोल के बारे में क्या बता रहा हूँ कि कैसा होता है एक्चुअली, ओपिनियन पोल निकालने के टीवी वाले ओपिनियन पोल नहीं निकालते हैं, ओपिनियन पोल निकालने के लिए कुछ एजेंसी है जो प्रोफेशनल है, रजिस्टर्ड है। मैं एक ओपिनियन पोल निकाल के जैसे कि दे दूंगा ऐसा नहीं होता, आई एम नॉट रजिस्टर्ड एजेंसी। उनका हर जगह पे ऑफिस होता है, वो स्टैटिस्टिक्स का ये उनका एक सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ाया जाता है कि आप एक तो सैंपल कलेक्शन देन सैंपल को मिक्स करना, रॉ डाटा को अलग करना, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं, वो करना करके फिर एक निकर्स निकाल रहा है। तो जब सैंपल कलेक्शन उसमें है फिर डाटा एनालिसिस होता है, काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी मतलब पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसे हवा में मार मार के जैसे कि योगेंद्र यादव बोलते थे हवा में ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, उसमें उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है। तो वो लोग का काम ये है जैसे सैंपल जो कलेक्शन करते हैं उनका एक ही है, एक तो डायरेक्ट इंटरेक्शन में करते हैं, एक रैंडम टेलीफोन माध्यम से करते हैं, और दूसरी बात की वो जो लेते हैं ऐसे नहीं कि मुंबई में जाके सीएसटी स्टेशन के टाइम में खड़ा हो गए तू क्या तू किसको देगा किसको देगा किसको देगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करते हैं कैटेगराइज करते हैं, मतलब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, मतलब इनकम ग्रुप, रिलीजन ग्रुप, देन कास्ट ग्रुप, देन रीजन ग्रुप, वेरियस रीजन्स। हाँ तो हम इस ये में इतना करेंगे, ये में इतना करेंगे, ये में इतना करेंगे, उसके बाद वो डाटा मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग मशीन है कंक्रीट मशीन जो आप बिल्डिंग में मिक्सिंग करने के बाद फिर उसको सेग्रीगेट करके ये करके फिर एक ग्राफ तैयार करते हैं, तो पाई चार्ट करो या हिस्टोग्राम करो जो भी करो वो तैयार करता है। उसके बाद ये जो इनका जो ये काम है इनको फंडिंग कौन करता है, एक पर्टिकुलर चैनल जैसे एबीपी न्यूज वो फंडिंग करता है सी वोटर को, और वो जो ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज अपनी चैनल में दिखाता था कि उनका जी व्यूअरशिप बढ़े टीआरपी बढ़े। सेम है सीएनएक्स को मैट्रिक्स को जैसे जी स्पॉन्सर करता है, इसे डिफरेंट ये को डिफरेंट चैनल करते हैं, इंडिया टुडे करता है चैनल चैनल फंडिंग करके वो डाटा को ये करता अपनी ये में प्रस्तुत करता है, ये एक है। दूसरी बात है कि जो छोटे छोटे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वो अभी दो घड़े में बटा हुआ है, दो घड़े में, एक थोड़ा सा लेफ्टिस्ट मतलब ये जो एक साइकोलॉजिकली ये करके इम्पैक्ट करके पब्लिक का माइंड थोड़ा कन्वर्ट करना है। हाँ तो ध्रुव बिलाटी एक बंदा है जो उसको हम जर्मन सपोर्ट बोलते हैं हमारा लैंग्वेज में, और जर्मन में बैठा है, उसका अच्छा फॉलोअर्स है, पता नहीं कैसे जर्ज सोरोस का फंड लेके फॉलोअर कैसे बनाता, अच्छे फॉलोअर्स है इंडिया में। लेकिन जब वो जर्मन में बैठ के जब यूपी के जौनपुर का डाटा मतलब प्रेडिक्शन करता है तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। इसका मतलब है कि बैठ के हवा हवाई देख लिया गूगल में मारता कौन सा जगह खबर है क्या क्या है क्या क्या है, बस बैठ के हवा हवाई मार दिया, उसको भी पब्लिक बिलीव करते हैं, नहीं तो उसका जब फॉलोअर कैसे हो गया, मतलब मूर्खों की तो कमी नहीं है ना इंडिया में, भरे हुए भरे हुए। तो जैसे कि वो है अधिक नियम है ये जो आशुतोष का जो चैनल है सत्य हिंदी .com बनता है, ये सब एक पर्टिकुलर लाइन में ये करता है, पैटर्न में करता है पर्टिकुलर, मतलब वो कोई सर्वे नहीं करते, अपने दिमाग में घुस रहे हम ऐसे बोल देंगे, इतना को इतना को बोल देंगे, दो चार आदमी से बात कर ले इतना बोल देंगे इतना बोल देंगे। जैसे कि वो जो जैसे सीट दे रहा है, जो भी सीट दे रहा है ऐसे सीट दे रहा है सीट मिठाई बढ़ रहा है, चला अच्छा ठीक है तू तेरा सकल अच्छा रहता है तू 5 लड्डू ले ले, वो कोई मतलब प्रॉपर डाटा का ऊपर जो ये तो लॉजिक का ऊपर नहीं जाता है। और एक कुछ चैनल है जैसे मैंने बताया कि फैक्ट्स है डॉक्टर अविनाश सिंह,
अभिषेक तिवारी बहुत यंग यूट्यूबर है, बहुत अच्छा रील्स करते हैं, स्पेशली यूपी बिहार कर्नाटका इनका काफ़ी पकड़ रखते हैं। वो खुद ग्राउंड में जाते हैं, खुद ग्राउंड में जाके पब्लिक से मिलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और बाकी ये लोग डाटा एक्सचेंज करते हैं। सपोज जैसे की पैड का अविनाश है, वो कुछ एरिया में फील्ड में जाते हैं डाटा एक्सचेंज है, वो देते हैं अभिषेक सिंह को, ये देते हैं जयपुर डायलॉग में वो जाके दिखे जी वो कुछ कलेक्ट करते हैं, वो डाटा एक्सचेंज करके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कलेक्ट करके कुछ साउथ चैनल में करते टाइप करते हैं यूट्यूबर कलेक्ट करके उसको फिर मिक्स करके वो अपनी देते हैं। उसमें क्या ना पैसा खर्चा कम होता है और टू अप टू द मतलब मार्जिन अराउंड 70% तक डाटा ठीक रहता है, ठीक रहता है, मार्जिन तो इधर ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन जो जो तरीके से डाटा ये करते हैं जो प्रॉपर किताब में जैसे लिखा करता है उसमें मार्जिन अराउंड 3-5% रहता है। तो आज वो कुछ स्पेशल चीज़ ले लो अरविंद केजरीवाल के बारे में अननेसरी टाइमर्स करने कोई जरूरत नहीं, बहुत चैनल बहुत कर चुके हैं। हाँ सर डेली नटवरलाल उसको कोई खुजली वाल बोलता है, कोई नटवरलाल बोलता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ नटक ही करता रहता है। तो उसके बारे में मतलब बोल के और उसके लिए वीडियो करके टाइम वेस्ट करना मैं नहीं चाहता हूँ। कितना टाइम हो गया देखो, मैं देखता तो टाइम कितना हो गया, 21 मिनट हो गया। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेगा और कुछ भूल रहा होगा भूलना का। हाँ माइक्रो जी, आप सबके लिए एक शुभ संवाद है, समाचार है, जो साउथ वेस्ट मानसून मौसमी वायु वो इंडिया छू चुका है और केरला में शायद 29 तक पहुंच जाएगा। अच्छा जून एक जो लास्ट फेज है उसमें से कुछ कुछ बूंदाबांदी हमको मिल सकता है और ये बूंदाबांदी से उधर छू लिया तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लो प्रेशर होगा, कभी थोड़ा सा गर्मी बढ़ गया तो फिर एक दिन कभी बारिश बारिश हो जाएगा, पटिया में 1 घंटे का बारिश हो गया तो फिर उस दिन रात निकलिए ऐसी चलाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी मौसम सुधर रहा है मेरे ख्याल से, अभी नेक्स्ट दो फेज में मौसम में मौसम जो है ना वो आप लोगों को तकलीफ नहीं देगा। बस यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ, नमस्कार, प्रणाम, अगेन, जय हिंद।